विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया है। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के रोल में विक्की दमदार लगे हैं। लुक, एक्सप्रेशन, फौजी एटीट्यूड से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक सैम मानेकशॉ के किरदार में खुद को ढालने के लिए विक्की की मेहनत टीजर में साफ झलकती है। मेकर्स ने फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज कर फैंस को ट्रीट दी है। मालूम हो, सैम मानेकशॉ ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम रोल निभाया था। उनकी बदौलत भारत ये जंग जीता था। इस बायोपिक को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। मूवी में विक्की के अलावा फातिमा सना शेख, नीरज काबी, सानिया मल्होत्रा, जीशान आयुब अहम रोल में नजर आएंगे। फिल्म 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। विक्की और मेघना ने इससे पहले फिल्म राजी में साथ काम किया था। सैम मानेकशॉ के लुक में विक्की की जितनी तारीफ की जाए कम है। जब फिल्म का पहला पोस्टर रिवील किया गया था, तभी से एक्टर के लुक को लेकर हाइप बना हुआ है। मूवी में सानिया विक्की की पत्नी के रोल में दिखेंगी। वो सिल्ली का किरदार निभा रही हैं। वहीं फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले करेंगी। मेघना गुलजार ने बताया कि इस फिल्म की रिसर्च और इसे बनाने में उन्हें 7 साल का वक्त लगा। मेघना ने कहा, जब फिल्म बनाने का फैसला किया था तो उन्हें सैम मानेकशॉ के बारे में ज्यादा चीजें मालूम नहीं थी, लेकिन आज 7 साल बाद वो सैम के बारे में सब कुछ जानती हैं। वो हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं। सैम बहादुर का बॉक्स ऑफिस पर एनिमल से क्लैश हो रहा है। दोनों मूवीज 1 दिसंबर को रिलीज हो रही हैं। क्लैश पर विक्की ने कहा, वो शुक्रवार ऑडियंस का दिन होगा, हमारा नहीं। आज के समय में इंडस्ट्री को ऑडियंस को मल्टीपल ऑप्शन देने चाहिए। हमें मल्टीपल फिल्में बनानी होंगी और मल्टीपल फिल्में भी रिलीज करनी होगी।